नहीं समझते हो ना तुम लोग, शांति से दिमाग खोल के ये वाला वीडियो देखना कि यार हम ऐसा सच बोलेंगे ना जिसे बहुत लोग का जलेगा, तो प्लीज जलवाना मत, समझने का कोशिश करना प्लीज। इंडिया में कोई भी किसी को लड़वा के आराम से फेम गेन कर सकता है, पॉपुलर हो सकता है, बिजनेस कर सकता है, बिजनेस वही करना है। ऐसा ना ईस्ट इंडिया कंपनी फूट डालो राज करो, 200 साल रूल किया ना, थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री हमको उतना आता नहीं है। आजकल भी चाहे वो फूट सोल्स लाइक गेम और पबजी, फ्री फायर, GTA 5, माइनक्राफ्ट के बीच में हो, या फिर NDA वर्सेस इंडी अलायंस, या फिर RCB वर्सेस CSK, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, बहुत सारा मिल जाएगा। सब लोग लड़ रहा है, तुम लोग को एक दो पॉइंट मिल जाता है फिर एकदम लड़ने लग जाते हो, एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाएं, कैसे कूल बन जाएं, कैसे रोस्ट कर दें, बस अपना सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरे पे फेंक देना है, अंधा होकर एकदम पूजा करने लग जाते हो, है ना। देखो हम किसी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो भी अंधा भक्ति से कम नहीं है। हर जगह पे एक किसी बड़े पार्टी को, नॉट पॉलिटिकल पार्टी बट पार्टी को टारगेट किया जाता है, कुछ कुछ फैक्ट्स बताया जाता है, एंड बस ये इधर से बोलेगा वो उधर से बोलेगा, दोनों एक दूसरे को डीमीन करते रहेगा, लड़ाई करते रहेगा। और एक बात हम कोट करना चाहेंगे, ये जो या वाले जो ये बोले थे, सुनो इधर, तुम्हारी सोच जहाँ तक है सोच रहे हो, जितना तुम परे हो वही तो कह रहे हो। अब तुम लोग को हमको पागल घोषित करना है कर दो, बट आई अग्री विद दिस लाइन 1 करोड़%। समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बातचीत चल रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो बाबू कमेंट मत कीजिएगा ठीक ना, अभी निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ के जाइए, बाय बाय, और जो आ रहा है वो देखेगा अभी, जिसको आ रहा है। कोई फ्री फायर खेलता है, इसके लिए डिमीन करना, नीचा दिखाना, भाई वन टैप तो एकदम हम ऐसा मारते हैं ना कि ट्रेनिंग ग्राउंड में होता बताते हैं। कोई सकीरो खेल के कूल बन रहा है कि बिना हीलिंग गॉड पिए भाई ईशिन से लड़ गए, नहीं भाई तुम बरमूडा खेलो या लिविक खेलो, ओवर वर्ल्ड में रहो या नेदर में रहो, स्ट्रेंजर्स एंड फ्रीक्स का मिशन पूरा कर दो या फिर शार्क कार्ड क्लेम करना ही भूल जाओ, पीक में उतरो चाहे नोवो में उतरो, एस रैंक पर सारा मिशन पार करो या फिर सांस को फर्स्ट टाइम में ही हरा दो, उस बार में जाओ या फिर इस बाइक वाला मिशन को ना करके बाइक इधर उधर दौड़ाओ, किसी को कंज्यूम कर लो या फिर एवरेस्ट में ग्रैपल हुक से कूदते फिरो, ईव्स ड्रॉप करो या फिर लीप ऑफ फेथ ले लो, लावा लून ट्रेन करो या फिर गी बाइट से कलेक्टर फोड़ के लूट करो, पूरा बॉडी स्कैन करवा के गेम खेलो या फिर VR हेडसेट लगा करके बीट सेबर खेलो, तुम किसी गेम के मास्टर बन जाओ, बट प्लीज रिस्पेक्ट करो सामने वाले को, रिस्पेक्ट करो मेरी जान। आज का लोग रिस्पेक्ट करना ही भूल गया है, बोले ना वही सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला बात कि भैया मैं तेरे से महान, तू गरीब, गरीब तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं ऐसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, इफ दे डोंट बुद्धम शरणम गच्छामि, करने दो जो करना है, अपने पीस रखो अंदर, कम्युनिटी एकता संभाव से आती, एकजुट होके हम फिर से बोलेंगे, पिछले वीडियो में भी बोले थे किसी भी बोलेंगे, सीरियस होके रिस्पॉन्सिबल होके अपने हेल्थ, अपने लाइफ, अपने लव्ड वंस का कदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, एक साथ किसी का भी रिस्पेक्ट, एक साथ गेम्स खेलो, तब ना बनेगा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। ऐसे लड़ते रहोगे, ये कोई फ्री फायर के लिए लड़ रहा है भाई, वो लोग फ्री फायर है खेलने वाला इंसान है, कोई माइनक्राफ्ट वीडियो बना रहा है वो माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है, कोई इंसान सेकीरो बिना उसके खेल रहा है वो सेकीरो का मास्टर है, कोई डार्क सोल्स खेल रहा है वो डार्क सोल्स का मास्टर है। तुम भी अगर स्नेक्स गेम खेलो, स्नेक गेम होता है ना मोबाइल वाला, वो खेलो यार, उसमें तो मास्टरी कर लो पूरा कि भैया लेवल एकदम एंड चले गए। रिस्पेक्ट करो ना, किसी का भी रिस्पेक्ट करो यार, कोई भी इंसान मेहनती कर रहा है। और बात रहा झझवाने का, तनी मनी तो रहबे करेगा, कलयुग है इतना तो झेलने पड़ेगा भाई, अब कहाँ किया जा सकता है। चलो भैया और भजियाई, हमारा विचारधारा अगर उचित लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चाहे नहीं करिएगा हमको इससे नहीं मतलब है, और प्लीज़ कुछ ऐसा करिएगा कि हमको ऐसा वीडियो फिर से ना बनावे पड़े, ताकि हमारा ज्ञान का भंडार हो गया है ख़त्म और अब हम चले गेम वेम खेले, बाय।